यू नो। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो, यू नो आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार, चाहे उसमें ज्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। अभी अभी आपने जो देखा वो है रीजन मेरा आज ऑलमोस्ट 2 महीने बाद कैमरा वापस उठाने का। Hey guys, what's up? My name is Ajinkya. Welcome back to my YouTube channel, Eat with Ajinkya. 2 महीने बाद व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रात के 9:35 हो चुके हैं, खाना खा के आया हूँ, पर ये जो रीज़न था ना व्लॉग उठाने कैमरा उठाने का वापस व्लॉग करने के लिए, इसे रहा नहीं गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, मैं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है पुष्कर, और आज से मैं ही खाऊँगा क्योंकि वो बेचारा वेज है। तो जो नॉन वेज वाले हैं वो देखते रहिए, जो वेज वाले हैं आप भी देखो यार, मज़ा आएगा देखो। वैसे भी अंडा तो खाते ही हो सब लोग, चलो। तो बड़े दिनों बाद ये नहीं व्लॉग, तो हमने लिया है हाफ फ्राई जो पलटी मार दिए, क्योंकि वो मेरे को एकदम हाफ फ्राई नहीं पसंद। वो प्रसाद तू अच्छा है, और ये है भुर्जी पाव, और नीचे मेरे मांडी पे पड़ा है एग फ्राइड राइस, एकदम ऐसा देसी स्टाइल। तो टेस्ट तो एक नंबर है, मैं खा चुका हूँ थोड़े दिनों पहले ही। और रही बात लोकेशन की, तो वो मैं अभी शेयर नहीं करूँगा क्योंकि लॉकडाउन है। तो वैसे आप पार्सल ले सकते हो, ऐसे गाड़ी में खा सकते हो, बट फिर भी जब सब खुल जाएगा अच्छे से तो वापस बता दूंगा एक बार। और अभी एक एक करके ट्राई करते हैं, और थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बेचारा पुष्कर पीछे बहुत सिकुड़ के बैठा है। तो सबसे पहले हाफ फ्राई और पाव, बहुत ज़्यादा खाना ले लिया मैंने, बट ठीक है, इतने दिनों बाद कर रहा हूँ तो चलता है। देख के मुँह में पानी आ रहा है ऐसा, मतलब ऐसा मिर्ची डाल दिया ज़्यादा थोड़ा, बट चलेगा आज। हाफ फ्राई मुझे पहले पसंद नहीं था, पर जब से मैंने यहाँ पे खाया है उस दिन मजा आ गया। ये ना नॉर्मली हम लोग का ऐसा लेट नाइट अड्डा होता है, मतलब जब सब बंद हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आके अंडा पाव, भुर्जी पाव, राइस, पहले राइस ट्राई करते हैं। और ये बहुत रीजनेबल होता है, अंडा पाव रहेगा कुछ 20 या 30 का है, ये हाफ राइस है ये भी ऐसा ही कुछ 30-40। तो
द मस्त एकदम सिंपल सोबर एकदम घर के जैसा खाना एकदम ऐसा और गरम गरम ऐसे ठंडे मौसम में और क्या चाहिए. अब इसको भी साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए और साइड में किधर रखेंगे वही नहीं पता. A few moments later. और अभी हम ट्राई करेंगे फाइनली जिसके लिए हम आए थे भुर्जी पाव. तो थोड़ा ठंडा हो गया अंडा पाव और अंडा राइस खाने तक. ये ना ऐसा रोड साइड के भुर्जी का ना भुर्जी पाव का मज़ा ही अलग है. मतलब घर पे भी अच्छी बनती है नो डाउट पर ये ऐसा ठंडी में रात को ऐसा रोड साइड पे जब बारिश थोड़ी बहुत हो रही होती है ऐसा आनंद. तो अभी ये जो खाना है ये बहुत ज़्यादा है तो ये मैं ख़त्म करता हूँ या तो फिर मैं पार्सल ले लूँगा जो भी है जैसे भी है. मैं पहले ये ख़त्म कर लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ. खा के हो चुका है बढ़िया सा भुर्जी पाव एग फ्राइड राइस और हाफ फ्राई और पाव. तो लोकेशन मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन है. एक बार सब खुल जाएगा तो वापस आएंगे भैया के पास राजेंद्र भैया और अशोक भैया. तो तब वापस आके अच्छे से वापस शूट करेंगे और तब लोकेशन बताऊंगा. अभी के लिए इतना ही. आज के लिए खा के मज़ा आ गया. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना. आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए खाओ खाते रहो खिलाते रहो.